नमस्कार, हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है, जिससे कहीं हल्की तो कभी तेज बारिश होने की संभावना है। इस बात की जानकारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिससे राज्य में बारिश की संभावनाएं हैं, जिससे लोगों का ऐसा मानना है कि इससे उन्हें उमस से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि सोमवार 26 जुलाई की रात से 29 जुलाई के बीच राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होने की भी आसार नजर आ रहे हैं। 1 जून से 23 जुलाई तक भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि हरियाणा राज्य में 199.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, और ये बारिश जो है ये सबसे ज्यादा आंकी गई है। ये 22% ज्यादा है, लेकिन वही इन दिनों में सूरज की तपिश भी बढ़ी हुई है। सावन के महीने में कावड़ ले जाने की परंपरा होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए कावड़ यात्रा को इस बार प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं किसानों ने इस बार अलग तरीके से कावड़ यात्रा निकालने की तैयारी कर दी है। किसान आंदोलन और सावन में कावड़ यात्रा के चलन को देखते हुए कुछ किसानों ने किसान कावड़ से जाने का फैसला लिया है। इसे नया ट्रेंड कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत फतेहाबाद के गांव जांडली कला से युवा किसान करने जा रहे हैं। वो अपने गांव से किसान कावड़ लेकर टिकरी बॉर्डर पर धरने के लिए रवाना हुए हैं। किसान कावड़ में शामिल युवाओं का ये टोला अपने गांव से मिट्टी और जल लेकर चला है और 180 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है। कावड़ को टिकरी बॉर्डर पर किसान धरने के स्टेज पर अर्पण किया जाएगा। इससे पहले गांव के बुजुर्गों की मीटिंग हुई थी, जिससे इस किसान कावड़ यात्रा के बारे में सहमति बनी थी और गांव के ही 21 युवाओं की ड्यूटी लगाई गई थी। कावड़ यात्रा में जहां भगवान शंकर का गुणगान किया जाता है, वहीं इस यात्रा में किसान आंदोलन से जुड़े गीत बजाए जा रहे हैं। हरियाणा के नारनौल शहर की खालड़ा पहाड़ी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मंदिर बनाने के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें पूर्ण पार्षद का नाम भी शामिल है। आरोपियों ने नगर परिषद के जरिए मंदिर को तोड़े जाने के बाद दोबारा से निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि नारनौल की रघुनाथपुरा की पहाड़ी में नगर परिषद की जमीन है। इस जमीन पर काफी परिवारों ने अवैध रूप से घर बनाए हुए थे। बीते 13 जून को नगर परिषद ने इन मकानों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन 2 दिन पहले ही लोगों ने यहां एक चबूतरा तैयार करके मुख्यमंत्री की फोटो लगाती थी, जिसके सामने लोग सुबह शाम दीपक जलाते थे। बीते शनिवार को नगर परिषद के यहाँ से इस चबूतरे को तोड़ दिया गया है, और लेकिन देर शाम फिर से यहाँ निर्माण कार्य शुरू होने लगा। तो नगर परिषद के ईओ अभय यादव मौके पर पहुंच गए। ईओ का आरोप है कि वहां पहले से ही पूर्व पार्षद प्रमोद तेरड़िया काफी लोगों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने पहले नारेबाजी की और फिर आत्मदाह की धमकी दी। हरियाणा की सीएम सिटी करनाल में कोरोना वैक्सीनेशन का काम रुका हुआ है। पिछले 4 दिनों से टीकाकरण नहीं कर पा रहे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए शहर में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 4 दिन में बची हुई मात्रा 2000 डोज ही लग पाई है। आज रविवार को भी कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन में करनाल प्रदेश में 5वें स्थान पर बना हुआ है। विभाग के पास डोज ना होने के कारण ये मुहिम भी फैली होती नजर आ रही है। जिले में अब तक 5,90,000 डोज लगी है। इसमें पहली डोज 4,62,000 और दूसरी डोज 1,28,000 शामिल है। डोज लगवाने वालों में 3,13,000 पुरुष और 2,77,000 महिलाएं शामिल हैं। करीब 4.5 लाख कोविशील्ड की डोज लगी है और 1.5 लाख के करीब कोवी वैक्सीन लगी है। अब और कितनी डोज लगेंगी, इस बात की खुद सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के समय रेवाड़ी के विराट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है, क्योंकि पहले इस जांच को 48 घंटों में पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब उसकी जांच की डेडलाइन बार बार बदल दी जा रही है। आपको बता दें कि मामला गंभीर होने के कारण उस समय रेवाड़ी का चार्ज संभाल रहे नारनौल के डीसी अजय कुमार ने उस समय के एडीसी राहुल हुड्डा को जांच सौंपते हुए 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था, जिसके बाद पहले तो जाँच शुरू होने में देरी हुई और उसके बाद एडीसी कोरोना संक्रमित हो गए। इसी बीच हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार आयोग के संज्ञान के बाद ही एक बार तो लगा कि अब जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी, लेकिन मामले में कुछ नहीं हुआ।
तीन महीने बीत जाने के बाद भी ना तो अब तक अस्पताल की लापरवाही सामने आई है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी की लापरवाही उजागर हो पाई है। हरियाणा भारत में अभी के लिए इतना ही। हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा भारत के साथ। नमस्कार।